दोस्तों आपको पता तो है बॉलीवुड में कैसी लाइफ स्टाइल है। किसी की जिंदगी तो भाई चकाचौंध से भरी हुई है, तो किसी की जिंदगी घोर अंधेरे से। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने अपना करियर फर्श से शुरू करा था और आज अर्श पर हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं ऐसी 10 स्टार्स की जो की फिल्मों में बैकग्राउंड में होते थे लेकिन आज बॉलीवुड में बहुत बड़े सितारे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में पहला नाम है रणवीर सिंह का। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने बड़े स्टार हैं। आज बॉलीवुड में इनका ही सिक्का चलता है और आने वाले 5-6 साल बाद तो सिर्फ इन्हीं का ही राज होगा। दोस्तों वैसे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत पता है कहाँ से करी थी? कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म में गाना था बोले चूड़ियाँ। इस फिल्म में ये बैकग्राउंड डांसर थे। अगले स्टार है शाहिद कपूर। आपने दिल तो पागल है ये मूवी तो देखी ही होगी। इस फिल्म में गाना था मुझको हुई ना खबर। इस फिल्म में भी शाहिद बैकग्राउंड डांसर थे। और हाँ, ऐश्वर्या की भी एक फिल्म थी ताल, इस फिल्म में भी ये बैकग्राउंड डांसर थे। कौन से गाने में? कहीं आग लग जाए। अगले स्टार हैं सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत ऋतिक की मूवी धूम 2 में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर करी थी। अगली स्टार है डेजी शाह। इन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत ऐसी करी थी। आपने तेरे नाम मूवी तो जरूर देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। उस फिल्म में गाना था लगन लगे, इसी फिल्म में ये बैकग्राउंड डांसर थी। अगले एक्टर हैं अरशद वारसी और साजिद खान। इन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत एक ही गाने से करी थी, जितेंद्र और किमी कटकर की मूवी थी आग से खेलेंगे। इस फिल्म में गाना था हेल्प मी, इसी गाने में दोस्तों आप देख सकते हो अरशद वारसी और साजिद खान दोनों को। अगले स्टार है मौनी रॉय। भाई ये तो गजब के सुंदर है और इन्होंने भी बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। दोस्तों 2004 में एक मूवी आई थी रन, जो अभिषेक बच्चन और भूमि चावला की थी। वो फिल्म भी बड़ी कमाल की थी। उसी फिल्म में गाना था नहीं होना, इसी फिल्म से मौनी रॉय ने भी अपना करियर स्टार्ट करा था। अगले स्टार है काजल अग्रवाल। ऐश्वर्या राय की एक मूवी थी क्यों हो गया ना, इस फिल्म में एक गाना था उलझन, इसी फिल्म से काजल अग्रवाल ने अपना करियर स्टार्ट किया था। अगले स्टार है अनुष्का शर्मा। भाई आपने लगे रहो मुन्ना भाई ये मूवी तो देखी होगी, इसी फिल्म में अनुष्का शर्मा का बैकग्राउंड में पोस्टर देख सकते हो। तो अनुष्का शर्मा का करियर यहीं से शुरू हुआ है। भाई माना कि बैकग्राउंड डांसर नहीं थी लेकिन बैकग्राउंड में तो थी ना। अगले सुपर स्टार है हमारे खिलाड़ी भैया। खिलाड़ी भैया से तो भाई आप समझ ही गए हो ना, हमारे प्यारे अक्षय कुमार। इन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारी हिंदी फिल्मों में गजब का नाम कमाया, लेकिन ना बहुत सारी हिंदी फिल्मों के गानों में भी ये बैकग्राउंड डांसर रहे हैं। वैसे भाई अक्षय कुमार के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। भाई इन्होंने वेटर का भी काम करा, ये मार्शल आर्ट के टीचर भी रह चुके हैं। भाई ये मल्टी टास्कर है, ये मल्टी टैलेंटेड है। तो भाई वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।